मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? मज़ा आ गया यार। आज तो मौसम थोड़ा ठंडा भी है और क्या है कि कल का मैच देख के तो सही में यार मस्त। और अभी इतना लंबा ट्रैफिक जाम है, इतना लंबा क्या बताऊँ, छोड़ो ये दो रोज का है इधर का। तो अभी जाएंगे गुड़गांव और गुड़गांव में है आज आफ्टरनून में मेरी मीटिंग है, तो क्या होता है देखते हैं कैसा प्लान बनता है। और फिर जाना है कुछ काम से एक जगह और, तो देखेंगे कैसे कर पाते हैं। बहुत सारा काम है यार, अब क्या करें। और एक कल जहाँ गए थे वहाँ अब दोबारा जाना नहीं, इधर नहीं जाना। संडे पता नहीं, जब अभी देखते हैं कुछ प्लान बनेगा तो आपको वो भी अपडेट कर देंगे। फिलहाल तो अभी पहुँचते हैं गुड़गांव और रास्ते में यार आज बहुत ट्रैफिक है, पता नहीं क्यों यार आज तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, हर तरफ जाम लगा हुआ है, पता नहीं क्या है, जाम ही जाम है। जल्दी पहुंचना था मुझे और मैं हो गया हूँ लेट, थोड़ा सा तो ज़्यादा ही, मतलब ट्रैफिक देख के ही लगता है कहीं कोई गाड़ी लगी हुई है, कहीं कुछ पता नहीं क्या है। तो चलो, कल हम लोग ट्राई किए थे इंडिया गेट जाने का बट वहाँ पे सब बंद था, पता नहीं क्यों, पार्किंग ही नहीं थी कल, तो वहाँ भी नहीं जा पाए। ठीक है फिर कभी जाएंगे, लेकिन जाएंगे। गाड़ी लगा के चला गया है आगे मेरे, अब मैं कैसे निकलूँगा। तो गाइस ये है सायवड़ा, और यहाँ कितना ट्रैफिक होता है रोज का है यहाँ का, और यहाँ से निकलना मुश्किल है। देखते हैं क्या करना है, ऐसे बहुत मुश्किल है ये तो। तो भाई लोग अब निकल गया मैं ट्रैफिक जाम से। भाई साहब इतना जाम होता है सायवड़ा में क्या बताऊँ। और जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ मतलब मैं को तो ट्रैफिक भाई मिलता है, बिकॉज़ मैं हमेशा पीक आवर्स में निकलता हूँ। पीक आवर्स में निकलो तो यहाँ पे जाम तो मिलेगा, उससे आप बच नहीं सकते। और देखो अभी ये क्या बताऊँ मैं, यहाँ पे आओ तो इतना सारा काम है। ओहो, पानी का बॉटल आवाज़ कर रहा है, अभी इसको शिफ्ट करेंगे। और देख लो भाई लोग कैसा है लुक, शाम को तो भाई यहाँ से जाओ तो मज़ा ही आ जाए। तो हर दिन अरे अगर इंडिया हार भी जाएगी तो क्या हो जाएगा, फाइनल में तो पहुँच ही गई है, तो इंडिया को तो कोई ये नहीं, रिग्रेट ही नहीं होगा कि हाँ भाई कितना रन बना क्या हुआ। अगर आज शायद इंडिया अगर हार गई तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, ऐसा है कुछ कम्बिनेशन, पता नहीं क्या है बट कुछ तो है ऐसा। तभी मतलब ऐसा चल रहा है कि इतनी आसानी से इंडिया मतलब 200 रन के नीचे कैसे आउट हो सकती है। भाई लो यहाँ भी जाम, और अभी घर जाएंगे, कल जाना है कहीं दूर तो कुछ काम है वो भी कर लेंगे, थोड़ा सा अर्जेंट होता है तो क्या करें। और हर चीज़ का तो एक समय होता है, काम करना है तो जब मीटिंग फिक्स हो जाए आदमी को निकलना पड़ता है। और जाएंगे कल बाहर जाएंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो अभी तो तत्काल यही है कि जो हो जाए। और भाई लोग मैच अभी इंडिया खेल रहा है, अभी भी मुझे लगता है लास्ट 208 रन कुछ देखा मैंने स्कोर, मैं वो गलत देख लिया था, 208 पे अभी पता नहीं कितना देख के देखूंगा, अभी एक बार गाड़ी रोकते ही पता चलेगा कितना हुआ है। पेट्रोल पंप पे तो आ गए, अब पेट्रोल लेके यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, बस बहुत भीड़ है यार देख रहे हो। तो कहाँ कहाँ जाएँ, कहाँ कहाँ घूमें, पता नहीं क्या है यार, इतना सारा रास्ते में ट्रैफिक रहता है और जाते जाते आते आते कुछ नहीं कर सकते। जो चीज़ जो काम मतलब आप ट्रैफिक में वेस्ट करते हैं टाइम आदमी तो। और गुड़गांव में तो ऐसा ही है, अभी जाएंगे दिल्ली, दिल्ली में भी अभी जाम लगा हुआ, पीक आवर्स में तो हर जगह जाम ही है। गाड़ी हट जाए एक बार, मेट्रो स्टेशन, पेट्रोल पंप, ये सब यहीं पे है। मैं यहाँ से बहुत बड़ा आ गया हूँ, पता नहीं कैसे, पहले मेरा ऑफिस यहीं होता था इसलिए मुझे आइडिया है।
पेट्रोल लेके और अब हवा का इंतजार कर, बताओ गाड़ी में हवा देना भी एक टास्क है आजकल तो। इतना सारा ट्रैफिक होता है, मतलब चाहे पेट्रोल लो आप लाइन लगो, फिर एयर लेना है, प्रेशर डाउन है गाड़ी का तो, क्योंकि पेट्रोल लेने के बाद प्रेशर लेना थोड़ा ज़रूरी लगता है मुझे, तो वो भी एक पता नहीं क्या है यार। मेरे पास है वैसे इन्फ्लेटर, बट मैं लेके ही जाता हूँ, कौन अपना निकाले बार बार करे वैसे, टाइम पास करने से तो अच्छा है कि ले ही लो। तो एक बार पहले प्रेशर चेक करा लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, क्या कर सकते हैं। चल रहा है बस, पता नहीं एक नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का है और एक फ्री एयर है, पता नहीं कैसे करते हैं ये। भाई लोग घर आ गए और बाबू आ रहा है, अभी देखे चल के आ रहा है पीछे से, बाबू लोग ऊपर चढ़ेगा, देखा देखा देखा। आ जा आ जा, इधर आओ इधर आओ, तुम क्या हो गया बेटा, खांसी हो गया है, इधर आओ इधर देखो एक बार, इधर देखो खांसी हो गया है बेटा, बता दो क्या करना है आज बाबू हम लोगों को, क्या करना है। अरे वाह, एक्सरसाइज कर लो, और हम लोग कहाँ जाएंगे अभी बताओ, जल्दी बोलो जल्दी। अरे वाह लड़का वाह, खाना खा लिया, खाया नहीं खाया पहले बताओ। अरे नहीं इतना एक्सरसाइज नहीं करते बेटा। तो भाई लोग मैच हो गया खत्म और इंडिया जीत गई आज, कैसे मस्त मैच था, मस्त मतलब क्या बताएं, और 48 रन से कुछ जीता, 216 या 216 कुछ बनाए थे, उसको डिफेंड कर दिया इंडिया टीम ने, और इंडिया टीम पहुंच गई अब फाइनल में, एशिया कप के फाइनल में। तो फाइनल में अब जो पहुंच जाए, पाकिस्तान पहुंचेगा, श्रीलंका पहुंचेगा, पता नहीं जो भी पहुंचेगा, तो उनसे होगा फाइनल मैच। तो गाइस बहुत तगड़ा मैच था, मज़ा आ गया देख के। तो फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और आप लोग सपोर्ट करो मेरे को, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।